बहुत दिनों के बाद ये मैसेज आ रहा है पारिवारिक फिल्म, लेकिन बिहार यूपी जिस परिवेश की एक पारिवारिक कहानी है, वहाँ थोड़ा सा वो जो टशन का माहौल होता है ना, वो भी है भाई। सेक्रीफाइस भी है कम है, प्यार भी है कम है, स्वार्थ ज़्यादा है। तो उसी के बीच में से एक स्मूथ कहानी है ये। एक्चुअली ये कहानी माँ और बेटों की है, जिसमें से एक बेटा जो है उस माँ का है जो इसकी नौकरानी होती है और अपना सेक्रीफाइस कर देती है लाइफ इसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो प्रॉमिस करती है तेरे बेटे को मैं पालूंगी अपने बेटे की तरह, लेकिन हकीकत तो हकीकत रहती है। बड़े भाई को अब कम प्यार मिलता है और नौकर के बेटे को ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि वो धर्म और ईमान का बेटा है, अपना बेटा तो कर्म का बेटा है। अब इसी खींचातानी में फिर जो विलन तो होते ही हैं, बदमाश, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, काशी हो, सब जगह हैं, वो भी आते हैं। और इन्हीं लोगों के बीच में ये उलझने फंसते जाती हैं, उसको सुलझाते कहानी फिर बाप और माँ की तरह बेटा अपना सेक्रीफाइस करके इनका बिखरा हुआ घर बसाता है, जो होना चाहिए, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। बाकी जो इंटरटेनमेंट ऑडियंस खोजती है, देखिए फिल्म मेकिंग इज नॉट ए शिक्षा गिविंग, करेक्ट है, फिल्म मेकिंग इज ए प्रॉमिस टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट। अगर हम अब हमारी बात है ये कि उस एंटरटेनमेंट को देने के क्रम में थोड़ा सा शिक्षा दे दे तो क्या बात है। आलू तो सभी खाते हैं, तल के भजिया बना के खाई जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेट अस सी। मार आजकल तो हो रहा है, ये आजकल ये बात हो रही है, मार धाड़, न्यूडिटी, और उस हद तक की न्यूडिटी कि हस्बैंड भी अपने वाइफ को उस तरह से देखने में शायद शर्मा जाएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसमें कोई इसका तो मतलब है नहीं, फिर भी ये ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से, एक ज़माना था गंगा मैया तो है पीरी चढ़े बो सोनवा के लागी नहीं छूटे रहा, वैसी फिल्में बनती थी, लोग बहुत देखते थे, अब वो ज़माना गया। लेकिन हमारा जो कल्चर है, बच्चा पैदा हुआ तो गाना, बच्चा खाना शुरू किया तो खाना गाना, और बच्चे की शादी हो रही है, जनेऊ हो रहा है, ये हो रहा है, वो गाना से शुरू होता है, कल्चर हमारा म्यूजिकल है, वो हम छोड़ के बेहूदगी जो कभी गाना नहीं गाते, न्यूडिटी देखते दिखाने में, वो लेके आ गए हैं लोग। आई एम ट्राइंग टू कीप इट ऑन ट्रैक, एक ट्रैक पर आ जाए और फिर से हम अच्छी फिल्में बनाएं और फिर से लोग देखें, शायद कुछ शिक्षा भी ग्रहण करें। ज़माना बदल रहा है, बदल गया है, बदल कर फिर से हम जमाना तो नहीं बदल सकते, एक टेस्ट बदल सकते हैं। अशोक सर, आपके स्टार आपकी कहानी के हिसाब से कितने खरे उतरे हैं आपके मद्देनजर? देखिए फिल्म में सिर्फ एक्टर ही तो नहीं होते, ये एक्टिंग करते हैं, कुछ गलतियां होती है उसको डबिंग में सुधारते हैं, उसमें भी कुछ कमियां रह गई तो बैकग्राउंड म्यूजिक सुधारते हैं, करेक्ट है। तो यार दो साइलेंट आर्टिस्ट है, लेकिन एक न्यूकमर है, मेरे लिए न्यू कम है, तो बहुत दिन हो गए, एलएसडी से है, काफ़ी ट्रेंड है स्टेज का, उसका नाम है रोशन कुमार, जो काशी का रोल प्ले कर रहा है, डेफिनेटली इज अ वेरी गुड एक्टर, बतौर मूड से एक्टर है, बतौर द बेनिफिशियर ऑफ फिल्म है, फिल्म के बारे में भला सोचता है, फिल्म कैसे पूरा हो लोगों जो चाहिए वो सोचता है, एंड ही विल गो अप, नो डाउट। दूसरी चीज़ है, और लोग भी हैं लेकिन अब इम्पोर्टेंस लेने के लिए कभी कभी सीढ़ी भी खींच देते हैं लोग, तो वो हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आगे जाना है वो आगे जाएगा, जो खड्डा खोएगा दूसरे के लिए कहाँ जाएगा, हैं, और मुझसे नाम मत बुलवाइए, लेकिन वो हैं और रहेंगे। अब चैलेंज तो ये है ना कि उनको सरपास करते हुए कैसे हम ओवरकम करके आगे जाएं, वो कर रहे हैं हम, एंड वी आर गेटिंग सक्सेसफुली आउट ऑफ इट। देखो ऐसा है, कभी ज़माना था कि लोग सैड म्यूजिक सुनते थे, मेलोडियस सुनते थे, मैंने इसमें जो ट्रैक रखा है उसमें बिटवीन मेलोडी एंड इंटरटेनमेंट, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक भी है
और मेलोडी भी है, कोशिश है। एक साथ तो किसी को कुनैन खिलाया नहीं जा सकता ना, करेला ना, इन करेले को भूंज के तल के वो भरुआ भर के बना के खिलाया जा सकता है, तो वो धीरे धीरे कोशिश हो रही है। डोंट वरी, मेरी कोशिश है, अगर ईश्वर ने चाहा। फिल्म को लेकर ही हम कहना चाहेंगे कि नंगी फिल्में आती हैं, बिना मतलब के मार धाड़ रहते हैं, बे सिर पैर की न्यूडिटी रहती है, उसको आप इग्नोर करो। देखोगे आप वही, सीखोगे आप वही, तो घर में क्या दोगे? और चाहोगे कि घर नंगापन का अखाड़ा बन जाए? है ना। अच्छी फिल्म देखो, अच्छा एंटरटेनमेंट लो, और अच्छी सबक दूसरों को दो, ताकि ये उनके लिए, आपके गांव के लिए, जिला के लिए, स्टेट के लिए, अल्टीमेटली हिंदुस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो। वेलकम, वेलकम, थैंक यू।